जरा मुझे ये बताओ, तुमने अब तक मुझे सारा ड्रामा नहीं बताया। अरे तुम भी कमाल करती हो, शुरू ही हो जाती हो। देख नहीं रही मंशा कितनी मुश्किल से यहाँ पहुंची है। इसलिए तो कह रही हूँ कि मुझे बताओ, ताकि मुझे भी कहानी समझ में आए। मुझे पता ही नहीं है कुछ। आंटी, मैंने अंकल को सब कुछ बता दिया। क्या बताया, बताओ मुझे मुस्तकिल। शहजाद जी, बेबी मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। कॉल करने की जरूरत नहीं, जल्दी घर पहुंचो। बाबर का फोन आया था, इतनी बदतमीजी की है उसने मुझसे। और रही सही कसर घर पूरी करने आ रहा है। क्या मतलब, सब खैरियत तो है? इससे पहले कि वो पहुंचे, तुम जल्दी घर पहुंचो। ठीक है बेबे, मैं आता हूँ। तुम्हें पता है ना, मलिक मुनव्वर की तबीयत पहले बहुत मुश्किल से संभली है। ये ना हो कि बाबर आके हंगामा करे और मुनव्वर साहब के लिए फिर कोई मुश्किल खड़ी हो जाए। ठीक है बेबे, मैं आता हूँ। जल्दी पहुंचो। आंटी सॉरी, मुझे घर जाना होगा, बेबी की कॉल आई थी। क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? अंकल, वो बाबर ने बेबी को कॉल करके बदतमीजी की है और वो घर भी पहुंच रहा। एक तो तुम्हारे घर के मसले ही नहीं खत्म होते। आंटी मैं जानता हूँ इस वक्त मंशा को मेरी बहुत ज़रूरत है, लेकिन घर में मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ बाबर आ रहा है और अब्बा की भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई हंगामा बरपा हो। नहीं बेटा, तुम जाओ और मंशा की फिक्र नहीं करना, मंशा अब अपने घर पर है। हाँ लेकिन सुनो, मुझे ये तो बता के जाओ कि निमरा के घर मंशा गई क्यों थी? अरे मैं बताता हूँ ना, तुम इसे जाने दो। जाओ बेटा, तुम जाओ। ठीक है अंकल। बैठो। क्यों गई थी मंशा निमरा के घर? इतनी देर बाद रब ने खुशी दिखाई थी, जरा सी देर में छीन ली। जो सारा मंसूबा ना बाबर का था, इसलिए तो आज उसने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। और इसीलिए मैं तुझे कहता रहता हूं, ये बिल्ली चूहे का खेल खेलना बंद कर दे और जिंदगी को जिंदगी की तरह जी। लेकिन नहीं, तुम तो एक दूसरे की टो में लगे रहते हो और एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने लगे रहते हो। अब आप जानते हैं मैं जानबूझकर किसी से लड़ाई मोल नहीं लेता, और बाबर की सारी बातों को मैं इग्नोर करता रहा, लेकिन वो जानबूझकर मुझे ये बाबर करवाना चाहता था कि मैं बुज़दिल हूं। आज ना मैं बाबर की बहादुरी निकाल के रहूंगी। उसने मेरे पोते से महरूम किया है मुझे, मैं उसकी जिंदगी से उसे महरूम कर दूंगी। ओहो, यही तो दुश्मनियां हैं जो कि खत्म नहीं होती। और पहले तुम बदला लोगी, फिर बाबर बदला लेगा, और फिर यह सिलसिला जो है यूं ही चलता रहेगा। तो क्या करूं मैं, आंखें बंद कर लूं? बेबे आप ऐसा करें, बाबर को आने दें। वो कितनी देर तक बाहर खड़ा रहेगा, दरवाजा खटखटाता रहेगा, थक हार कर चला जाएगा, और बाद में पूरे शहर में हमारी बुजदिल के किस्से गाएगा, कहेगा कि हम बुजदिल थे, तुम दबा के घर में बैठ गए। और यही तो तमगे और ताज मिलने हैं तुम्हें, जिसके लिए तुमने सारे घर का सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है। शहजाद ने बिल्कुल सही मशवरा दिया है, ना हम गेट खोलेंगे ना वो अंदर आएगा, आप पे घंटियां मार मार चला जाएगा। बेबे आपकी तबीयत अभी ऐसी नहीं है कि हम कोई हंगामा अफोर्ड करें। चलें ठीक है, मैं आप सबकी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैं बाबर से अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी, बता रही हूं मैं। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है, तो कभी ना कभी उससे बदला ले लेना। आपको पता तो है मैं खुद इमरजेंसी में हूं।
उधर मंशा का मसला और यहां बाबर की धमकी। अब तुम आ गए हो ना, अब जाने की बात मत करना। बेबे, हम तो खुद चाहते हैं कि आप हमें आने का रास्ता तो दें। मैंने तुम्हारी बात की है। ओए, और ठीक तो कह रहा है शहजाद। देखा ना, मैंने कहा था ना, ये घटिया इंसान जरूर आएगा। अरे बेबे, आने दें, करने दें उसे बैल। जब गेट नहीं खोलेंगे ना तो थक हार कर चला जाएगा बकवास करके। एक बार जाने तो दो मुझे, मैं गेट नहीं खोलूंगी, ऊपर से जाके खरी खरी सुनाऊंगी। और बात सुन बिल्किस, और क्या जरूरत पड़ी है कीचड़ में ईंट फेंकने की? और छींटे तो अपने पर ही आएंगे ना, क्या जरूरत पड़ी है वो गलादत में छलांग मारने की? बेबे क्या कर रही हैं आप, अभी तो अब्बा ने समझाया आपको। बाबर की बदमाशी तो देखो, मेरा खून खौल रहा है कसम से। अच्छा रुके, मैं ऐसा करता हूँ कि बैल का बजर बंद कर देता हूँ, सारी रात बैल बजाता रहेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बह जा, वो कभी ठंडी भी हो जाएगा कर, अरे लू गुस्सा। पैसों का बंदोबस्त हुआ? मैंने अपनी शादी के सारे जेवरात बेच दिए और आपके सारे प्राइस बॉन्ड्स भी। कल रात में शहजाद के घर गई थी ना, इस मुश्किल वक्त में भी उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। बहुत देर तक मैं उनके घर की बैल बजाती रही मगर किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं। शायद सब सो गए होंगे, बहुत देर भी तो हो गई थी ना। इमरजेंसी में मैं फोन भी घर भूल गई थी वरना मैं कॉल कर लेती। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 5 लाख डिपॉजिट करने को कहा है। आधे पैसों का इंतजाम हो गया है, इंशाल्लाह बाकी का भी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बाबर की कंडीशन कैसी है? मैंने आपसे ऑपरेशन की बात कही थी। जी जी, वो पैसों का इंतजाम हो रहा है, हम बस थोड़ी देर में डिपॉजिट करा देंगे। मेरे ख्याल से अब ऑपरेशन मुमकिन नहीं रहा। असल में मैंने आईसीयू विजिट किया था और बाबर कोमे में चला गया है, इसलिए उसका ऑपरेशन मुमकिन नहीं। आप बस दुआ करें। सबर करो, सबर करो मेरे बच्चा, क्या हो गया? अल्लाह ने चाहा समझ जाओगा, मायूसी कुफर है, परेशान नहीं हो। हाँ हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? वैसे बेबे ने शहजाद का ब्याह कर दिया, उसकी वोटी को देखा नहीं अब तक मैंने, यहाँ रहती नहीं है। मैंने भी अभी तक देखा नहीं है उसको, मुझे तो कोई झगड़ा वगड़ा लगता है। हाँ एक और कुड़ी है यहाँ जो रहती है, आंटी ने बेटी बनाया उसको। मुझे लगता है वो शहजाद के चक्कर में है अम्मा, हालांकि उसको पता है कि शहजाद का ब्याह हो गया है। फिर भी है थोड़ी नाकचड़ी सी, चेरी बर्गर हिन्ना नाम है। मगर बेबे ने भी ना खूब बेइज्जत करके निकाला उसको घर से अम्मा, धमकियां देकर गई है बेबे को, ऐसे जैसे कोई थानेदार नहीं लगी हो। चल ठीक है अम्मा, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मंशा, मंशा बेटा, तुम्हें पहले दिन से कहती थी मंशा, निमरा के लक्षण ठीक नहीं है।
दोस्त की शक्ल में दुश्मन थी वो। देखो क्या किया उसने, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं समझते। उसने तुम्हें धोखा देके बुला लिया था, हमें तो पता भी नहीं था कि तुम कहाँ हो। तो शुक्र अल्लाह का कि अलीना का दिमाग चल गया। पता नहीं बाबा मेरी बच्ची के साथ अपनी दुश्मनी में क्या सुलूक करता। मां, तो सिद्धार्थ की दुआओं ने बचा ली। बस अब तुम कान खोल के सुन लो, कुछ भी हो जाए तुम निमरा से नहीं मिलोगी। अब उसका वो मकान नहीं रहा कि तुम उसे अपनी दोस्त रखो। मैं सच कहूं तो सिद्धार्थ तक यकीन ही नहीं आ रहा कि सब ख्वाब था या हकीकत। बस मैंने तो कह दिया मैं निमरा को घर नहीं आने दूंगी। क्यों, तुम्हारी आंखें अब भी नहीं खुली क्या? मुझे लगता है कि निमरा के साथ भी ना धोखा हुआ। अब भी तुम उसकी जान की दुश्मन थी और अब थोड़ी सी देर में ही तुम्हें वो मासूम लगने लगी। बाबा ने जब मुझे कमरे में बंद किया था ना, तो निमरा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी। वो रोक रही थी और तुम्हें यकीन कर लिया। बेटा ये सब उनकी चाल थी ताकि तुम्हें धोखा दे सके। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि वो मेरे कमरे का लॉक खोल दे। बाबा ने उसे भाग की धमकी देकर ही रोक दिया। ड्रामा ऐसे ही कहते हैं। तुम्हारे सामने तो निमरा मासूम बन गई, लेकिन तुमने धोखे से बुलाने वाली तो वही थी ना। कान खोल के सुन लो, अब निमरा का नाम कोई नहीं लेगा इस घर में, समझी? बस बेटा परेशान मत हो, जो होना तो हो गया ना, इसमें भी अल्लाह की बेहतरी है। वक्त गर्दिश में है दायरे की तरह, दूर जाएगा जो पलट आएगा, एक एहसास है जो भी पास है, साथ है हम नशीं, साथ है हम नवा। निमरा छोड़ो, नहीं छोड़ो निमरा, मेरे कहा छोड़ो, नहीं छोड़ो मेरे कहा छोड़ो निमरा। क्यों परेशान हो बेटा, मैंने बाबर की जान का सदका निकाल दिया है, अल्लाह ने चाहा अच्छी खबर आएगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मी, मुझे बाबर को जाने देना चाहिए था। बाबर जिस कंडीशन में पिस्टल लेके बाहर जा रहा था, ना जाने कितनों का खून कर देता। मैंने तो अच्छा ही चाहा था, मगर मुझे क्या पता था कि इससे मेरा ही घर खतरे में पड़ जाएगा। अल्लाह की जो मसलहत बेटा। हॉस्पिटल से कोई खबर आई, बाबर कैसा है और कब तक इस कंडीशन में रहेगा? अभी कुछ पता नहीं, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी कंडीशन उम्र भर के लिए ऐसी ही नजर आ रही है। अल्लाह इसके सिवा कोई मुश्किल ना दे हमें। हेलो, हाँ बताओ मसला क्या है? देखो इस वक्त जो भी है दे दिलाकर जान छुड़वाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। हमजा की कॉल थी, क्या बोल रहा है? हाँ वही पुलिस केस का चक्कर, हमजा ने किसी जानने वाले से बात तो करा दी है, मगर वो बहुत पैसे मांग रहा है। तुम हमजा को कॉल करो, बुलाओ जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, उसे बोलो थाने में पैसे दे और इस केस को रफा दफा करे।
मैंने भी यही कहा, वो थोड़ी देर में घर आ जाएगा। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और साथ में हिना के भी कुछ कपड़े लेके जा रही हूँ। पता नहीं कितने दिन और रहना पड़ेगा वहां पे। हिना हॉस्पिटल में ही है, उसका तुम्हारे साथ रवैया कैसा है? उसको लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है, मगर मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये जो कुछ भी हुआ है ना, इस सबका कसूरवार उसने मुझे ही ठहराना है। तुम परेशान नहीं हो, बाबर के साथ जो भी हुआ वो एक हादसा था। लेकिन ये बात हिना को समझाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। चल शहजाद। बेटा तुमने मंशा को कॉल की? हाँ, सुबह कॉल आई थी उसे। मेरे ख्याल से आज तुम जाकर उसे ले आओ। सच? बेबे सच कह रही हो? तो और क्या मैं झूठ बोलूंगी? जब तक मुझे बर्दाश्त नहीं कर रही थी, मैंने उसे इस घर में आने नहीं दिया। काश काश आप ये सब कुछ पहले पहले कैसे कर लेती? कितने हंगामे, कितने तमाशे तुम्हारे सामने हुए। वो तो तुम्हारे बच्चे की खुशी ने नई राहें दिखा दी, लेकिन वो उम्मीद भी दम तोड़। खुशी क्या थी? एक पानी का बुलबुला था जो पल भर में खत्म हो गया। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव नहीं हो तो इंसान खुशियों की कदरों कीमत ही भूल जाता है। बेबे मैं जिस तरह से अपने ख्वाबों के पीछे भाग रहा हूँ, वो सारा सफर आपने अपनी आंखों से देखा। थक गया हूँ। अब तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई ना। अब देख, खुशियां तुम्हारे आसपास ही पड़ाव डालेंगी इंशाअल्लाह। तुम्हें मंशा को कोई लाने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, बजाहिर तो कोई नहीं। वैसे बेटा ये काम मैं खुद भी कर सकती हूँ, लेकिन डर लगता है कि मेहरू बुरा ना मान जाए। बेबे आप मेरी एक बात मानो, मंशा को लेने आप और अब्बू जाओ। और वैसे भी मंशा खुद ही अकेले आती जाती रही, मुझे तो कोई एतराज नहीं, और ना ही तुम्हारे अब्बू मना करेंगे। तो फिर ठीक है, आज शाम आप दोनों मेरे साथ जाएंगे, लेकिन बेबे प्लीज ख्याल रखिए, अपना दिल ना थोड़ा बड़ा रखिए। आप तो जानती हैं, अंकल तो कुछ नहीं कहते, लेकिन आंटी का बीपी कभी भी हाई हो जाता है। जहां मैंने इतना बर्दाश्त किया है, तुम्हारी वजह से थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लूंगी। अब खुश? बहुत खुश। बेबे आपको पता है मैं सुबह से कॉल कर रहा था उसको, लेकिन अब शाम को लेने जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तक्सा, मेरे दामाद बाबर के रिपोर्ट्स में कुछ बेहतरी आई? देखें, सच बताऊं तो मुझे कल से अब तक रिपोर्ट में कोई बेहतरी नजर नहीं आई, और ये जिस तरह की रिपोर्ट है, इस हिसाब से ये बीमारी का सिलसिला बहुत लंबा जारी रहेगा। आप किसी ऑपरेशन का जिक्र कर रहे थे? देखें, गोली रीढ़ की हड्डी के बीच में फंसी है, जिसको निकालने में बहुत बड़ा रिस्क है। हम गोली निकाल के मोरू को रिप्लेस करेंगे, लेकिन इसमें काफी रिस्क है। डॉक्टर साहब, मेरा दामाद अपने पैरों पे खड़ा तो हो सकेगा ना? देखें, आप खुद समझदार हैं,
इंसान बैकबोन के सहारे ही तो चलता है और आपके दामाद के तो तमाम बैकबोन के मोहरे डैमेज हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह की जात से उम्मीद है, हमने यहाँ से बहुत से मौजज़े होते हुए देखे हैं। देखें बीबी, हमने लोगों को मौत के मुंह से वापस आते देखा है। मौजज़े इसी दुनिया में होते हैं, दुआएं तकदीर बदल देती हैं। और जिसके पीछे आप जैसी हस्ती दुआ करने वाली हो, उसकी दुआएं तो अर्श पे जरूर सुनी जाएंगी। आमीन रब साहब। अरे अरे, अगर आप हौसला हार जाएंगी तो मरीज की खिदमत कौन करेगा? आप बस दुआ करें। वैसे तो ये एक सच्ची बात बताऊं, जिंदगी में आज तूने पहली बार कोई अच्छा फैसला किया। आपसे शादी करने का फैसला भी तो मैंने ही किया था। तो तभी तो कह रहा हूँ कि आज तूने सबसे अच्छा फैसला किया है। इस उम्र में मेरे अलावा आपको बर्दाश्त कौन करेगा मलिक साहब? ये भी ठीक है, आते तो तुझे पता ही है मेरी कितनी खराब है, तेरा ही हौसला है कि अब तक बर्दाश्त कर रही है। जख्म भी लगाते हैं और मरहम भी खुद ही रखते हैं आप। देखो, इसी के अंदर तो मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ और तभी तो अब तक हम दोनों साथ हैं। ऐसे है ना, आज जरूर से ज्यादा शरारती हो रहे हैं आप। सच्ची बात बताऊं, आज मैं वाकई बहुत रिलैक्स। तूने ये फैसला करके ना बहुत ही अकलमंदी का और आला जर्री का मुजाहरा किया। अब जाके मंशा को सही मानों में अपनी बहू बना के इस घर में लाए। मलिक साहब, गलती भी तो इंसान ही करता, और फिर उसे भुगतने के लिए भी अकेला ही होता। मुझे लगता है मंशा के मिसकैरेज की मैं ही जिम्मेदार हूं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर हम अपने सारे इख्तलाफात पहले ही खत्म कर देते तो ये नौबत नहीं आती। और इसमें भी कोई ना कोई अल्लाह की मसलियत जरूर होगी, आखिर अल्लाह इंसान के लिए हमेशा बेहतरी करता है। और इंसान अगर अपनी गलती से कुछ सीख ले तो मेरी नजर में ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, अगर आपकी मोटिवेशनल स्पीच खत्म हो गई हो तो चलें, लेट हो जाएंगे, रात का खाना घर आके खाना है हमें। हाँ बात ठीक है, तू ऐसे कर, तू शहजाद को क्या गाड़ी निकाले, मैं जरा महल ऊपर को वेस्टकोट वगैरह पहन लूँ, आखिर बच्ची को लेने जाने। मरून वाली पहन लेना, अच्छा लगना जरूरी है। अच्छा चलो, देखते हैं देखते हैं। चल चाय पियो। बेटा, कब तक कमरे में इसी तरह बैठी रहोगी? तबीयत बोझल हो जाएगी तुम्हारी। बाहर निकलो, थोड़ी आउटिंग करो। शहजादा आ रहा है, कह रहे थे कि शाम में आ जाएंगे। मैंने अलीना को भी घर से रुखसत कर दिया ताकि शहजाद को कोई परेशानी ना हो। निम्रा, इसने तुम्हारी जान नहीं छोड़ी क्या? पता नहीं, उस दिन के बाद से तो आज ही कॉल कर रही है। असल में चाल नाकाम होने की सफाइयां भी तो देनी होगी ना, कि उसे तो पता ही नहीं था। मैं बहुत अच्छा किया जो उसकी कॉल काट दी, मैं तो उसे बात भी नहीं करना चाहती। किसी के धोखे में इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन दिया, इसीलिए तो मैंने निम्रा का घर आना बंद किया। लेकिन अगर निम्रा या बाबर दोनों में से कोई कॉल करे तो तुम मत उठाना बेटा। एक बार में ना इंसान एक ही बार धोखा खाता है। अगर सरे राह भी नजर आ जाए ना तो मुंह फेर लेना, ऐसे लोगों से ताल्लुकात रखना खतरे से खाली नहीं होता। उम्मीद, आप बेफिक्र हो जाएं।
मुझे ना अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। अच्छा सुनो बेटा, जरा बाहर आके बैठ जाओ। देख लो सुबह से शाम हो गई, मासी नहीं आई है। आ जाती तो मैं बाजार जाके तुम्हारे लिए फ्रूट ही ले आती। मैं सोचू अभी जरा हुआ हूँ, नमाज हो जाएगी वरना। ठीक है, तुम जरा बाहर आके बैठ जाओ मेरे बच्चे। अम्मी, बाबर की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने रिपोर्ट्स तो देख ली है ना? हाँ, क्या मतलब? क्या कहा है डॉक्टर ने? बाबर कोमे से तो बाहर आ जाएगा ना? रिपोर्ट्स कोई खातिर खा नहीं आई है। डॉक्टर ने दुआ करने की ताकीद की है, और तुम समझती हो ना? मैं इतने से बाबर को देख कर आती हूँ, प्लीज। मैं अभी आईसीयू से ही आ रही हूँ, डॉक्टर विजिट पे आया हुआ है और किसी को अलाउ नहीं कर रहा मिलने के लिए। हिना भी कल रात से जागी हुई थी, मैंने उसे घर भेज दिया ताकि वो थोड़ी देर रेस्ट कर ले। मेरा बच्चा, अपने आप को रो रो के हलकान मत करो। तुम्हारे परेशान होने से बेहतर है कि तुम बाबर के लिए दुआ करो। दुआ तकदीर बदल देती है, अल्लाह ने चाहा तो वो ठीक हो जाएगा। बस बाबर ठीक हो जाए इंशाल्लाह, जरूर। दुआओं में बहुत असर है। बैठो बेटा। तुम मेरा दिल कह रहा था कि आप लोग आएंगे, तो देख लें भाई साहब, फिर आज हमने आपके दिल की आवाज सुन ली और हम आ गए। मुस्तकीम भाई, आना तो हम बड़े दिनों से चाह रहे थे, लेकिन वो बीच में मसले मसाइल जो आ गए ना, तो इख्तलाफात कहाँ नहीं होते, हो जाती हैं गलत फहमियां, लेकिन अगर दिल में बात रख के बैठे रहो तो फिर मसले हल नहीं होते। मेरी बहू, मेरा कहने का मतलब है कि मेरी बेटी कहाँ है, वो नजर नहीं आ रही। हाँ हाँ, वो भी है यार, वो काफी जान कहीं नजर नहीं आ रही। ओ मेरू, आप लोग इतना अचानक आए ना, वो जरा मार्केट तक गई है, मैं देखता हूँ, हो सकता है आ चुकी हो। मुस्तकीम भाई, वो बताएं को दोबारा कोई प्रॉब्लम को मसला तो नहीं हुआ? मेरा मतलब है कि बाबर या निमरा ने दोबारा को फोन तो नहीं किया? नहीं नहीं, उसके बाद तो कोई रास्ता नहीं हुआ। मुझे तो बाबर फोन करके धमकियां दे रहा था, मैंने भी ऐसी खरी खरी सुनाई है कि सारी जिंदगी याद रखेगा। मेरे बेटे से लड़ने घर आ गया था। फिर कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? झगड़ा? वो तो इन लोगों ने मुझे रोक लिया, गेट तक जाने नहीं दिया, वरना मैंने ऐसा लिटाना था कि सारी जिंदगी याद रखता। वो बात यह है मुस्तकीम भाई, जब कोई सामने ही नहीं आएगा तो दोबारा से कब तक कोई सर टकराएगा? बाबर पता नहीं कब तक हमारे कार की घंटी बजाता रहा और फिर मुंह की खाकर चला गया। बस अब उन लोगों का तो किस्सा ही खत्म है। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए चाय का कहता हूँ। भाई साहब, चाय के तकल्लुफ को छोड़िए, वो मेरी बेटी को लेके आए ना आप। उसे भी बुलाता हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है आप इतने अरसे के बाद आए हैं बगैर किसी खातिर तवाज़ो के। मैं बस अभी आया और बहू को भी लेके आता हूँ। बस ऐसे ही चाय के तकल्लुफ में पड़ गए। महरू जिद छोड़ दो, मलिक मुनव्वर और बिल्कीस आए मंशा को लेने। जिंदगी का एक एक पल याद है मुझे, तुम कैसे कह सकते हो कि वो सब कुछ भूल चुके? क्योंकि मैं उनके साथ बैठ कर आया हूँ। मजाल है जो उन्होंने कोई भी नागवारी की बात की, और बिल्कीस तो ऐसे मिली हमेशा की तरह हंसते हुए। तुम बिल्कीस से कितनी दफा मिले हो जो तुम्हें बिल्कीस की हंसी याद है? बात पकड़ लेती हो। अच्छा, मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो मंशा को बुला के उसे कसम दे के पूछो। रहने दो, मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। सभी अगर बिल्कीस सब कुछ भुला कर आई है तो उसे पता ही होगा कि सारी खराबियां तो उसी ने पैदा की हैं। देखो, अगर तुम ऐसा सोचोगी तो ये इख्तलाफात कभी खत्म नहीं होंगे। ना हो,
ना मैं चाहती हूँ इख्तलाफात कभी खत्म हो। इसमें मेरा थोड़ी कोई मुफाद है। अगर मलिक मुनव्वर और बिल्किस घर आ ही गए हैं और बकौल तुम्हारे सब कुछ भुला कर आए हैं, इसमें तो मुझे साफ साफ लगता है कि उनका खुद का फर्ज है। तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट। असल में बिल्किस को उसके खानदान वालों ने ताने दिए होंगे कि अखलौता बेटा वो भी घर छोड़ के भाग गया और घर दामाद बन गया, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए वो मंशा को लेने आ गई। चलो मान लिया ऐसा है भी, तो ये भी तो सोचो कि हमने तो बिल्किस को नहीं बुलवाया ना, शहजाद की पूरी फैमिली उठकर खुद आई है, तो इसका तो साफ मतलब यही है कि बिल्किस ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। क्या बिल्किस ने अपनी गलती मान ली है? हाँ ऐसा ही समझ लो। अब तो चलो ना। अगर बिल्किस ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है तो मुझसे भी माफी मांग लेनी चाहिए, मैं भी सब कुछ छोड़ दूँ। मतलब कोई आदमी शर्मिंदा होकर वापस आ गया है लेकिन तुमने उसे मजीद रुस्वा करना है। तुम कुछ भी समझो। ठीक है फिर अपने कमरे में ही रहो, आने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही उनसे झूठ बोल दिया कि तुम बाजार गए। अगर किसी की गलती है तो उसको माफी मांगनी तो बनती है ना? कुछ नहीं बनता। बनता कैसे? कुछ नहीं बनता। देखते हो कैसे मंशा जाती है। अब क्या हुआ? डॉक्टर ने विजिट कर लिया? क्या हुआ निमरा? बाबर ठीक तो है ना? निमरा कुछ बोलो, क्या हुआ? बाबर हमें छोड़ के चला गया। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? हम बेआसरा हो गए हैं ना, बाबर चला गया। नहीं बाबा, बाबा।